जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टॉपिक चल रहा है दोस्तों, और बी कॉम्प्लेक्स में जो है कुछ विटामिन्स बचे हुए थे, उन्हीं को हम आज देखेंगे। ठीक है, तो मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों, आपका अपना चैनल नैन IAS, जिस पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपकी तैयारी के लिए। और GS के सारे सेगमेंट में हम लोग अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें आपको पूरा मटेरियल एक साथ मिल जाएगा अलग अलग प्लेलिस्ट में। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। ठीक है, कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बायोलॉजी में दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पोषण, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम बी कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं बचे हुए विटामिन्स को, और इसी के साथ हम टॉपिक खत्म करेंगे। पिछली बार हुआ था दोस्तों कौन सा, विटामिन B5 हो चुका था। विटामिन B6 देखना है हमको, विटामिन B6 आज हम पढ़ेंगे दोस्तों विटामिन B6 के बारे में। ये एक जो है विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, इसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप जो है किसी विटामिन का रासायनिक नाम, उसके स्रोत, उसकी कमी से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। तो इसका नाम क्या था? पाइरीडॉक्सिन। पाइरीडॉक्सिन, पाइरीडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है दोस्तों विटामिन B6 का। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। अब दोस्तों देखिए, इसका स्रोत क्या होता है? हर विटामिन जरूरी नहीं उतना महत्वपूर्ण हो, तो सबके बारे में सब चीजें पढ़ना जरूरी नहीं है। विटामिन B6 जो है ये किस में पाया जाता है, ये हम देख लेते हैं। दूध में पाया जाता है दोस्तों, मांस में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है। ठीक है, इन सब चीजों में ये पाया जाता है। जिगर में सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिगर मतलब, जिगर मतलब यकृत, लीवर। ठीक है, इसके बाद हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, और इसके बाद ईस्ट। ईस्ट जो एक जीव होता है जिसको हम खमीर कहते हैं, उसमें भी ये पाया जाता है। तो ये इसके प्रमुख स्रोत हैं दोस्तों विटामिन B6 के, जिसको हम पाइरीडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये पाइरीडॉक्सिन जो है किस लिए जिम्मेदार होता है, या आप अगर ये कहें कि इनकी कमी से क्या समस्या हो सकती, दोनों एक ही बात है दोस्तों। अगर आप जो है उसके कार्य पढ़ लें, या उसकी कमी से क्या समस्याएं होती हैं ये पढ़ लें, दोनों एक ही बात है। आपको समझ में आ जाएगा कि शरीर में इनका क्या महत्व है। रक्त क्षीणता, रक्त क्षीणता मतलब रक्त की कमी हो जाएगी, अर्थात ये रक्त के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, एक बात। दूसरी बात, चर्म रोग, चर्म रोग, पेशियों के ऐंठन, पेशियों में ऐंठन होगी मतलब मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने के लिए आवश्यक होते हैं, स्किन के लिए आवश्यक होते हैं, त्वचा के लिए आवश्यक होते हैं। मतली आएगी, मतली मतलब उल्टी, जिसको कय भी बोलते हैं, कय आएगी। ठीक है, पथरी हो जाएगी, इसकी कमी से, B6 की कमी से पथरी की भी समस्या हो जाती है। ठीक है, पथरी की भी समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आप महत्वपूर्ण है समझ लीजिए। स्रोत किससे मिलता है ये विटामिन B6 किससे मिलता है? दूध से मिलता है, मांस से मिलता है, मछली से मिलता है, यकृत से मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है, ईस्ट से या खमीर से प्राप्त होता है। और इसकी कमी से चर्म रोग हो जाएगा, रक्त क्षीणता की स्थिति पैदा हो जाएगी, पेशियों में ऐंठन या क्रैम्स होंगे, मतली आएगी, कय आएगी, और पथरी की भी समस्या विटामिन B6 की कमी से हो जाती है। ठीक है, तो ये विटामिन B6 जो है कितना महत्वपूर्ण है आपने देखा। चलिए अगला विटामिन देख लेते हैं दोस्तों। अगला विटामिन जो हम लोग देखेंगे वो है विटामिन H। वो कौन सा है? विटामिन H कौन सा है? विटामिन H। अब विटामिन H हम लोग क्यों देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? बायोटिन। बायोटिन ये क्या है दोस्तों? बायोटिन।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है, इसके बारे में समझते हैं। ये किस में पाया जाता है? सब चीजें जो है देखिए हरी सब्जी में पाई जाएंगी, फल में पाए जाएंगे, गेहूं में पाए जाएंगे, चॉकलेट में पाए जाएंगे, ठीक है, ये चॉकलेट में पाया जाता है, अंडों में पाया जाता है, मूंगफली में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन एच या बायोटिन जो है ये भी बी कॉम्प्लेक्स का ही एक भाग है दोस्तों, इसको हमने बीच में देख लिया, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है? त्वचा रोग हो जाता है और बाल झड़ने लगते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब हम देखेंगे विटामिन बी नाइन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कौन सा विटामिन है? बी नाइन। आइए देखते हैं बी नाइन किस तरह महत्वपूर्ण है। इसको दोस्तों हम क्या कहेंगे? फोलिक एसिड। ये क्या होता है? फोलिक एसिड होता है, फोलिक एसिड ग्रुप या फोलिक अम्ल समूह, फोलिक अम्ल समूह। आइए देखते हैं ये क्या है विटामिन बी नाइन। देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा, फोलिक एसिड ग्रुप होता है ये, इसको ध्यान से देखिएगा क्या होता है ये। ये जो है दोस्तों रुधिर के कणों के निर्माण में सहायक होता है, रुधिराणुओं के निर्माण में सहायक, के निर्माण में सहायक, रक्त कणों के निर्माण में ये क्या होता है? सहायक होता है। क्लियर हुआ? एक चीज ये महत्वपूर्ण इसका कार्य है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है दोस्तों? डीएनए के संश्लेषण में आवश्यक होता है, ध्यान दीजिएगा, डीएनए के निर्माण में या डीएनए के संश्लेषण में, संश्लेषण में आवश्यक, ठीक है। इसका दो महत्वपूर्ण काम है विटामिन बी नाइन का दोस्तों। एक तो ये डीएनए का एक अनिवार्य घटक है, मतलब डीएनए का संश्लेषण करता है, और दूसरा रक्त के अणुओं का निर्माण करता है, रुधिर के अणुओं का निर्माण करता है। पाया किसमें जाता है दोस्तों? ये किसमें पाया जाता है? स्रोत क्या होता है इसका? हरी सब्जियां, हरी सब्जियों में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है, सोयाबीन है, गुर्दा है, फली है, सोयाबीन, गुर्दा, फली, ईस्ट, इन सब में ये पाया जाता है विटामिन बी नाइन। तो आप देख रहे हैं ये कितने महत्वपूर्ण पोषक तत्व है दोस्तों। गुर्दा है, लीवर है, फली है मतलब बीन्स है, खमीर है, हरी सब्जियां तो लगभग सब चीजों का स्रोत होती है, ठीक है। तो बी नाइन या फोलिक एसिड जो है किस लिए इंपॉर्टेंट होता है शरीर के लिए? ये एक तो रुधिर अणुओं का निर्माण करता है, दूसरा डीएनए का संश्लेषण करता है। चलिए ये क्लियर हो गया। इनकी कमी से क्या होगा? कमी से क्या होगा? वृद्धि रुक जाएगी पहला, और दूसरा रक्तालपता, खून की कमी हो जाएगी। जब रुधिर निर्माण ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है खून की कमी हो जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों ये हो गया विटामिन बी नाइन, नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है विटामिन का टॉपिक दोस्तों, महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इसको अच्छे से पढ़ा रहे हैं और ज्यादा डीप में, ताकि कोई चीज छूटे ना। वैसे जो बहुत महत्वपूर्ण है वही चीजें हम देखेंगे आपको, ठीक है, आपको बताएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों आगे दोस्तों देखते हैं B12 लास्ट वाला जो हमारा बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन है वो कौन सा है? विटामिन B12, विटामिन B12 ये लास्ट का विटामिन है। इसको साइनो कोबालामिन, साइनो कोबालामिन कहते हैं, ठीक है। ये इसका रासायनिक नाम है, कठिन है लेकिन याद रखिएगा, ये आपके काम आएगा, ठीक है। चलिए अब ये विटामिन जो भी है इनका रासायनिक नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, साइनो कोबालामिन।
अब इसका काम क्या है दोस्तों, ये क्या करता है, न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करता है। न्यूक्लिक अम्ल किसका, डीएनए और आरएनए का संश्लेषण। सबसे महत्वपूर्ण काम है इसका कि न्यूक्लिक एसिड का क्या करता है, ये संश्लेषण करता है, जिसकी वजह से डीएनए आरएनए बनते हैं। एक बात, दूसरी बात, ये क्या होता है, इनका एक, ये जो न्यूक्लिक एसिड बनते हैं दोस्तों, इनका जो संश्लेषण होता है, ठीक है, इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और दूसरी बात, रुधिराणुओं के निर्माण में भाग लेने वाले जो एंजाइम होते हैं के निर्माण में भाग लेने वाले एंजाइम्स का सह एंजाइम मतलब जो एंजाइम रक्त अणुओं के संश्लेषण में या निर्माण में भाग लेते हैं, ठीक है, जो एंजाइम रक्त अणुओं को बनाते हैं उनका एक सह एंजाइम होता है, कौन सा, साइनोकोबालामिन या विटामिन B12 जो होता है, वो रुधिर अणुओं के निर्माण में भाग लेने वाले जो भी होते हैं एंजाइम्स, उनका को एंजाइम्स होता है या सह एंजाइम्स होता है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। मतलब एक तो न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण कर रहा है, दूसरा रुधिर अणुओं के निर्माण में ये मदद कर रहा है, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। B12 जो होता है ये वृद्धि के लिए सहायक होता है, मतलब ग्रोथ के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रोथ के लिए भी। रक्त क्षीणता हो जाती है में क्या करते हैं, इसका इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ, इसके इंजेक्शन को लगाते हैं ताकि जो है रक्त की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। चलिए, क्लियर हो गया दोस्तों। कमी अगर हो गई तो कमी से क्या होगा, तंत्रिका तंत्र की कार्यकी उसका जो क्रियाकलाप है क्या हो जाती है, गड़बड़ा जाती है। मतलब नर्वस सिस्टम के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, रुधिर अणुओं के निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट है, डीएनए के आरएनए के संश्लेषण के लिए या न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। B12 कितना इंपॉर्टेंट है आपने देखा। अब देखिए दोस्तों, इसका संश्लेषण कौन करता है, आंत के बैक्टीरिया, मतलब जो आंतों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं दोस्तों, इसका संश्लेषण करते हैं। आंत के बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनका संश्लेषण करते हैं। बाकी भी ये कुछ खाद्य पदार्थों में, पोषक पदार्थों में पाया जाता है। चलिए देखते हैं किस में पाया जाता है दोस्तों, मांस में। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों, मांस में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, ठीक है, और अंडे में पाया जाता है, जिगर में पाया जाता है, लीवर में। ये ऐसे पोषक पदार्थ हैं दोस्तों, इसमें लगभग जो है सारी चीज़ें पाई जाती हैं, या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको, पूरी तरह से महत्वपूर्ण विटामिन है, जरूर याद रखें, इनका रासायनिक नाम याद रखें और इनका जो भी शरीर में कार्य है जरूर से जरूर याद रखें, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब कुछ विटामिन और हैं, आइए उनको भी देखते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए दोस्तों, बी के बाद हमने देखा था कि जल में घुलनशील जो विटामिन थे, जल में विलेय, तो वो कौन कौन से थे, बी थे और सी था, तो बी वाला हम पढ़ चुके हैं, अब हमको सी देखना है दोस्तों, तो हम देखेंगे
विटामिन सी या एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल, इसको एस्कार्बिक एसिड भी कहते हैं, विटामिन सी को। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं कि विटामिन सी क्या करता है। मैंने आपको दोस्तों शुरू में ही बताया था इसके बारे में कि सबसे पहले जो विटामिन खोजा गया वो विटामिन कौन सा था, विटामिन सी था। तो इसके बारे में जो आपको बात जाननी है, सबसे पहले खोजा गया विटामिन वो कौन सा है, विटामिन सी है। क्लियर हुआ, सबसे पहले इसका काम क्या होता है दोस्तों बताइए, इसका काम क्या है, उत्कों को दोस्तों क्या करता है, आपस में इसको सरल भाषा में आप समझिए, कोलेजन फाइबर होते हैं दोस्तों, कोलेजन फाइबर होते हैं, तंतु होते हैं, उनकी मदद से क्या करता है, उत्कों को आपस में बांधे रहता है, कोशाओं को उत्कों से बांधे रहता है, और दांतों और डेंटिन का जो निर्माण होता है वो कोलेजन तंतुओं से होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो है कोलेजन तंतु और जो है इसको हड्डियों को एक दूसरे से क्या करते हैं, बांधे रहते हैं, मतलब इनका काम क्या है, कनेक्टिविटी को बनाए रखना है। ठीक है, क्या करना है, कनेक्टिविटी को बनाए रखना है, मतलब हम कह सकते हैं कि उत्कों में कोशिकाओं को ये क्या करते हैं, परस्पर कनेक्ट रखते हैं, और क्या करते हैं, कोलेजन तंतुओं के माध्यम से हड्डियों के निर्माण में, हड्डियों के निर्माण में, दांतों के डेंटिन के निर्माण में ये मदद करते हैं। ठीक है, ये इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है पहला। दूसरा क्या है दोस्तों, ये जो है विटामिन सी को प्रतिरक्षा विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा विटामिन, मतलब अगर इस विटामिन को आप कम लेते हैं या बिल्कुल नहीं लेते तो आप में जो है रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। ये बात समझ में आई, ठीक है। स्कर्वी रोग हो जाता है इसकी कमी से, ये बहुत फेमस है, स्कर्वी इसकी कमी से हो जाता है, कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। ठीक है, स्कर्वी रोग होता है। अब स्कर्वी रोग क्या होता है दोस्तों, इसकी कमी से हो जाता है। ठीक है, अब इससे होता क्या है, अगर आपको घाव हो जाएगा तो घाव भरने में क्या हो जाएंगे, महीनों लग जाएंगे, भरने में महीनों लग जाएंगे। स्कर्वी रोग में यही होता है दोस्तों, क्या होता है कि देखिए जो कोलेजन फाइबर होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज को बांधने का काम करते हैं जो फाइबर्स होते हैं, कोलेजन तंतु, इनका बनना कम हो जाएगा, और इन्हीं की वजह से क्या होता है कि जालिका बनती है जिससे घाव भरते हैं। अब इनका अगर निर्माण बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा तो घाव जो है ठीक से नहीं भर पाएंगे, जल्दी नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो घाव को भरने के लिए कोलेजन तंतुओं की भूमिका होती है, और इनका निर्माण बंद हो जाता है अगर इसकी कमी आपके शरीर में भोजन में होगी तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या होता है स्कर्वी रोग। चलिए, और क्या होता है दोस्तों, हड्डी और दांतों की वृद्धि रुक जाएगी, जैसे कि हमने बताया आपको, हड्डी और दांतों की भी वृद्धि क्या होगी, रुक जाएगी। दांतों की वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है इस विटामिन की कमी से, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। हड्डी क्या होगी दोस्तों, कमजोर हो जाएगी, हड्डी का जुड़ना कठिन हो जाएगा, जैसे अगर मान लीजिए हड्डी कहीं से ब्रेक हो गई, टूट गई, तो हड्डी जुड़ने में बहुत समस्या हो जाएगी, मतलब हड्डी और दांतों के डेंटिन के निर्माण में इसकी जब भूमिका है तो आप समझ सकते हैं कि क्या समस्या आ सकती है। ठीक है, चलिए, और क्या होता है, रक्त क्षीणता आ जाएगी, और क्या समस्या होगी, कमी से अगर ये विटामिन हम कम लेते हैं तो क्या होगा, इससे भी रक्त क्षीणता पैदा हो जाएगी, रक्त क्षीणता पैदा हो जाएगी दोस्तों, और क्या होगा, प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाएगी, प्रतिरक्षा क्षमता में कमी हो जाएगी। ठीक है, जनन क्षमता में कमी। क्लियर हुआ, ये सारी समस्या आती है। मसूड़ों में सूजन आ जाती है। ठीक है,
और क्या होगा, पेशी फटेगी, दांत गिरेगा, पेशियां क्या होती हैं, फटने लगती हैं दोस्तों, पेशियां मांसपेशियां जो होती हैं फटने लगती हैं। अब देखिए मसूड़े, अगर मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाएगी, उनकी ग्रिप अच्छी नहीं होगी, तो दांत क्या होंगे दोस्तों, गिरने लगेंगे, ठीक है। तो दांतों का गिरना, दांतों का गिरना, ये मेन मेन समस्याएं हैं अगर हम विटामिन सी या एस्कार्बिक एसिड जो है भोजन में नहीं लेते। रक्त क्षीणता हो जाएगी, प्रतिरक्षा तंत्र में कमी हो जाएगी, जनन क्षमता में कमी हो जाएगी, मसूड़ों में सूजन हो जाएगी, दांत जो है कमजोर हो जाएंगे, गिरने लगेंगे, और हड्डी और दांतों का निर्माण बाधित होता है, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। इतनी समस्याएं होती हैं विटामिन सी की कमी से। अब देखिए इसके स्रोत क्या है दोस्तों, बहुत आसान है स्रोत याद रखना, खट्टे फलों में पाया जाता है ये, खट्टे फलों में या सिट्रिस जो फ्रूट्स होते हैं उनमें पाया जाता है, नारंगी, मौसमी, संतरा, नींबू, मौसमी, संतरा, नींबू, हरी मिर्च में पाया जाता है, हरी मिर्च में पाया जाता है विटामिन सी, ठीक है। टमाटर में भी पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। इन सब में विटामिन सी अधिकाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। हरी सब्जी में तो आप कॉमन ही आप जान ही रहे हैं, हरी सब्जी में पाया जाता है, आलू में भी पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विटामिन सी की पर्याप्त स्रोत है। आंवले में पाया जाता है, आंवले में बहुत बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, आंवला इसका बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है विटामिन सी का, ठीक है। आपने देखा होगा इस सर्दियों के मौसम में जो है कुछ वैद्य होते हैं वो आंवले से च्यवनप्राश बनाते हैं। च्यवनप्राश किससे बनता है दोस्तों, इसका जो मूल घटक है वो क्या है, आंवला है, और आंवला जो है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, ताकि सर्दी में होने वाली बीमारियां खांसी जुकाम और छींक या इस तरह की जो प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करती है उनसे बचा जा सके, ठीक है। तो ये विटामिन सी हो गया दोस्तों, विटामिन सी को हमने देख लिया, विटामिन सी कितना महत्वपूर्ण है हमने देखा, हड्डी का निर्माण हो, दांत का निर्माण हो, चाहे वो जो है प्रतिरक्षा तंत्र में कमी की बात हो, अगर विटामिन सी आप नहीं लेते तो ये समस्याएं आ सकती हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम देखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में, ये हो गए जल में घुलनशील विटामिन, अब हम देखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन। आइए दोस्तों इनको देखते हैं क्रम से, एक एक करके देखा जाए। विटामिन ए, पहला विटामिन कौन सा है वसा में घुलनशील, विटामिन ए। पहले तो हम इसका रासायनिक नाम देखेंगे जिसका नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है विटामिन ए का। अब देखिए दोस्तों ये करता क्या है, विटामिन ए क्या करता है, शरीर की वृद्धि में सहायक होता है, शरीर की वृद्धि में सहायक। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप सिर्फ एक एक चीज ही याद करके बैठे होंगे, लेकिन आप दो तीन चीज याद करके रख लीजिएगा। जैसे आपको पता है विटामिन सी जो है प्रतिरक्षा वाला विटामिन है, लेकिन और भी चीजें महत्वपूर्ण है उनको ध्यान दीजिए, हड्डियों का, दांतों का विकास हो, जनन क्षमता में कमी भी आती है, ठीक है। हाँ, दांतों का गिरना, मसूड़ों में सूजन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी, परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो रेटिनॉल के साथ क्या है, आपको पता है कि रेटिनॉल या विटामिन ई आंखों की रोशनी के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन ये चीजें भी आपको ध्यान से पढ़नी है, शरीर की वृद्धि के लिए भी विटामिन ए जिम्मेदार होता है। दूसरी चीज क्या होती है दोस्तों, दृष्टिरंगा, दृष्टिरंगा मतलब जो कलर विजन होता है दोस्तों, दृष्टिरंगाओं के, दृष्टिरंग जिनकी मदद से हम रंगों को पहचानते हैं, अच्छे से देख पाते हैं, के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, मतलब वही रोशनी के लिए, संश्लेषण के लिए आवश्यक, मतलब वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है, और दृष्टिरंगाओं के भी निर्माण के लिए जो पिगमेंट्स होता है, विजन पिगमेंट्स होता है, उसके लिए जिम्मेदार होता है विटामिन ए। क्लियर होगा। अब इसके आपको पता ही है कि अगर ये कमी होगी, विटामिन ए की कमी होगी, तो सबसे पहला तो जो है आपको बीमारी पता ही है कि रतौंधी हो जाएगा। विटामिन ए या रेटिनॉल की कमी से क्या होता है दोस्तों, रतौंधी रोग हो जाता है, क्या होता है, रतौंधी हो जाता है। त्वचा में कार्निया, जो कार्निया होता है दोस्तों आंखों का,
जो श्वेत पटल होता है कार्निया कहलाता है। और कार्निया में क्या होता है दोस्तों, कार्निया में क्या होगा, कोशिकाएं सूखने लगती है, कोशिकाएं या कोशिकाएं जो भी कहिए, कोशिकाएं क्या करती हैं, सूखने लगती हैं इसकी कमी से। दोस्तों इसके बारे में आप जान लीजिए, कार्निया के बारे में एक जानकारी रख लीजिए कि कार्निया में जो होता है नसें नहीं पाई जाती, रक्त की नसें या खून की नलियां नहीं पाई जाती, तो ये सांस जो लेता है हवाओं के सीधे संपर्क से लेता है, जो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है यहाँ पर क्या होता है, वो ऑक्सीजन सीधे लेता है वायुमंडल से, ठीक है। चलिए, इनकी कोशिकाएं सूखने लगती हैं इसकी कमी से, ठीक है, ये समझ में आया। शिशुओं की वृद्धि रुक जाती है दोस्तों, जो बच्चे हैं छोटे इन्फेंट्स हैं, इन्फेंट्स मतलब शिशुओं की वृद्धि क्या होगी, रुक जाएगी, रुक जाती है, ठीक है, इनकी कमी से, क्लियर हुआ। नर सदस्यों में क्या होता है दोस्तों, अगर नर है तो क्या होगा, नर सदस्यों में जनन क्षमता में कमी आ जाती है, में जनन क्षमता में कमी, क्लियर हुआ, ठीक है, समझ में आया। देखिए जीरोथैल्मिया एक बीमारी है, जीरोथैल्मिया जीरोथैल्मिया ये है शल्की भवन या श्वेत फुल्ली, ये दोस्तों क्या है, कार्निया में एक रोग हो जाता है, श्वेत फुल्ली पड़ जाती है, जिसको हम जीरोथैल्मिया कहते हैं, शल्की भवन, ये इसी विटामिन की कमी से होता है, जिसका नाम है विटामिन ए या रेटिनॉल, क्लियर हुआ। चलिए अब इस मिलता किस में है दोस्तों, गुर्दे में पथरी भी, इसकी कमी से पथरी भी हो जाती है, अगर विटामिन ए कम मात्रा में ले रहे हैं तो पथरी भी हो जाएगी। इसके स्रोत देख लेते हैं दोस्तों, किस लिए प्राप्त होता है, ठीक है, विटामिन ए के स्रोत देखते हैं, ये विटामिन किन किन चीजों में प्राप्त होता है। विटामिन ए दोस्तों प्राप्त होता है हरी पत्तेदार सब्जियों में, गाजर, कद्दू, अंडे, अंडा, दूध, और इसके अलावा दूध का जो भी प्रोडक्ट है, यकृत, कलेजी, दूध से बने पदार्थ, पनीर हो गया, यकृत हो गया, अंडा हो गया, ये सारे इसके प्रमुख स्रोत है रेटिनॉल के, ठीक है। तो रेटिनॉल हमने देखा किन किन चीजों के लिए आवश्यक है, शिशुओं की वृद्धि रुक जाएगी, दृष्टि रंगाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नर में क्या होता है, नर में जो है जनन क्षमता कम हो जाती है दोस्तों, आंखों की बीमारियां जो होती है जीरोथैल्मिया जिसको शल्की भवन कहते हैं वो पैदा हो जाता है, ठीक है, कार्निया में श्वेत फुल्ली पड़ जाती है, सारी प्रॉब्लम होती है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। चलिए विटामिन ए भी कंप्लीट हो गया दोस्तों, अब हम कौन सा विटामिन देखेंगे, विटामिन ए के बाद विटामिन डी, अब हम देखेंगे जो अगला विटामिन है वो है विटामिन डी, जिसको हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम है विटामिन डी का। आइए देखते हैं दोस्तों इसका काम क्या है, इसका मेन काम है दांतों और हड्डियों का विकास, ठीक है। इसे दोस्तों धूप का विटामिन कहते हैं, क्या कहते हैं, धूप का विटामिन। दोस्तों हम जब धूप में बैठते हैं तो हमारी त्वचा में अर्गी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, अब ये क्या करता है, अर्गी, इसमें क्या पाया जाता है, अर्गी कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों ये तत्व क्या करता है, ये तत्व जो है किसमें बदल जाता है, ये बदल जाता है विटामिन डी में, ठीक है, हमारी त्वचा जो है इसका संश्लेषण करती है विटामिन डी का, इसीलिए जिनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कहा जाता है कि प्राकृतिक रूप से आप सूर्य की किरणों को जो है 10-15 मिनट सेवन करिए से विटामिन डी की आपूर्ति हो जाएगी, ठीक है, तो ये एक प्राकृतिक स्रोत है।
चलिए आगे देखते हैं और क्या स्रोत है इनके। मेन इसका काम क्या है, दांतों और हड्डियों का विकास, ये आपने देख लिया ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब फास्फोरस, फास्फोरस क्या है, खनिज तत्व तो है आप जानते हैं। कैल्शियम क्या है, खनिज तत्व तो है। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम खनिज तत्व। ये जो तत्व तो होते हैं दोस्तों, फास्फोरस और कैल्शियम, जो आहार नाल में जब हम इनको लेते हैं, आहार नाल में जब इनका पाचन होता है तो आहार नाल में इनके अवशोषण के लिए, इनके अच्छे से अवशोषण के लिए ये विटामिन डी जिम्मेदार होता है। अगर विटामिन डी हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में है तो क्या होगा, ये जो फास्फोरस और कैल्शियम है ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएंगे या अवशोषित हो जाएंगे। अब ये किसके निर्माण के लिए आवश्यक है दोस्तों, हड्डियों के निर्माण के लिए ठीक है। किसके निर्माण के लिए आवश्यक है, हड्डियों के निर्माण के लिए। क्लियर हुआ, हड्डियों के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है ठीक है। चलिए ये दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी भी गर्भवती स्त्री के गर्भ में शिशु पल रहा है तो उसके लिए भी विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए गर्भ में पल रहे शिशु के लिए, जो गर्भ में शिशु पल रहा होता है दोस्तों, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये विटामिन आवश्यक होता है, विटामिन डी। क्लियर हुआ। अब आइए दोस्तों इसके स्रोत हम देखते हैं। अब हम देखेंगे इसके प्रमुख स्रोत, किन किन चीजों में ये पाया जाता है। आइए देखेंगे ये किन किन चीजों में पाया जाता है। मक्खन, मक्खन में पाया जाता है। धूप में तो आपको देखा है कि ये सबसे ज्यादा जो है होता है। जिगर में, जिगर में पाया जाता है। गुर्दे में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है ठीक है। अंडों की जर्दी, अंडों की जो जर्दी होती है दोस्तों, पीला भाग होता है अंडों की जर्दी, या अंडों का जो पीला भाग होता है इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन डी। और मछली का तेल, मछली का तेल, इसमें भी ये विटामिन बहुतायत मिलता है ठीक है। तो दोस्तों विटामिन डी आपने देखा कितना महत्वपूर्ण है हड्डियों के, दांतों के विकास के लिए, फास्फोरस और कैल्शियम के अब्सॉर्प्शन के लिए ठीक है, अवशोषण के लिए। उनका अवशोषण तभी अच्छे से होगा हर नाल में जब विटामिन डी पर्याप्त होगा। तो इसका मतलब इसकी कमी से क्या समस्या आती है दोस्तों, बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है। बच्चों कमी से क्या होगा, बच्चों में रिकेट्स, रिकेट्स या इसको सूखा रोग कहते हैं, सूखा रोग। इसमें जो हड्डियां होती हैं लचीली हो जाएंगी, एकदम टूड़ी मुड़ी हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी ठीक है। हड्डियों की ये समस्या है दोस्तों ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। और अगर यही वयस्कों में कहा जाए, वयस्कों में हड्डियों का जो रोग होगा, ऑस्टियो मलेशिया, मलेशिया, इन दोनों बीमारियों में क्या होता है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी ठीक है। बड़ों में दोस्तों क्या होता है, ऑस्टियो मलेशिया होता है हड्डियों का रोग, और बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स या सूखा रोग कहते हैं। किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। मिलता किसमें है, मक्खन में, जिगर में, गुर्दे में, अंडे की जर्दी में, पीले भाग में, मछली के तेल में। क्लियर हुआ, ये विटामिन हमारा खत्म हो गया ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है, गर्भ में पल रहे शिशु से लेके हड्डियों और दांतों के लिए भी आवश्यक होता है ठीक है। चलिए विटामिन डी भी कंप्लीट हो गया, ए डी, अब ई बचा है, ई, ए डी ई के, कौन कौन सा है, ए ई डी के। तो चलिए ए खत्म हो गया, डी खत्म हो गया, अब विटामिन ई पढ़ेंगे हम, सॉरी विटामिन ई, कौन सा विटामिन ई देखेंगे, ये किस तरह महत्वपूर्ण है ठीक है। इसको क्या कहते हैं, टोकोफेराल, ये कहलाता है टोकोफेराल, टोकोफेराल, ये इसका रासायनिक नाम है। इसको दोस्तों प्रजनन विटामिन कहते हैं, प्रजनन विटामिन। तो आप इसी से समझ गए होंगे कि ये विटामिन प्रजनन क्षमता के लिए आवश्यक होता है।
प्रजनन क्षमता के लिए विटामिन बहुत आवश्यक होता है। यह विटामिन पाया किस में जाता है, चलिए काम देख लेते हैं इसका दोस्तों क्या करता है। ये कोशिकाकला की सुरक्षा करता है, कोशिकाकला की सुरक्षा। ये जो स्किन की परत होती है दोस्तों ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है कोशिकाकला होती है, इसको क्या करता है, स्निग्ध बनाता है और इसकी सुरक्षा करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्किन ऑयल में क्या होता है, विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है, बादाम युक्त तेल होता है, लिखा होता है उसकी शीशी पे विटामिन ई, ठीक है। तो यह कोशिकाकला की सुरक्षा करता है सबसे पहला काम। दूसरा, जनन क्रियाओं के लिए जो है आवश्यक होता है, किसके लिए, जनन क्रियाओं के लिए, क्योंकि इसे प्रजनन विटामिन ही कहते हैं, तो आप समझ गए होंगे ये किस लिए आवश्यक है। अब पाया किस में जाता है दोस्तों, तेल में पाया जाएगा, किस में पाया जाएगा, स्रोत इसका क्या है, स्रोत तेल है, अंडे की जर्दी है, जो अंकुरित अनाज है दोस्तों उसमें पाया जाता है, अंकुरित अनाज जो स्प्राउट्स होता है ये उसमें मिलता है, ठीक है, गेहूं चना जो भी होता है, और मांस है, दूध है, ये सारे जो है इसके प्रमुख स्रोत हैं, तेल, अंडे की जर्दी, अंकुरित अनाज और मांस और दूध, ठीक है, इसके प्रमुख स्रोत हैं विटामिन ई के, बादाम वगैरह ड्राई फ्रूट्स भी इसके प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया विटामिन ई। अब लास्ट जो विटामिन बचता है दोस्तों वो है विटामिन के। कौन सा विटामिन है, अब हम पढ़ेंगे लास्ट विटामिन जो है विटामिन के, आइए उसको भी देख लेते हैं दोस्तों, विटामिन के को, ठीक है, विटामिन के, विटामिन के को क्या कहते हैं दोस्तों, फिलोक्विलोन, फिलोक्विलोन इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विलोन। ये जो है दोस्तों रक्तस्राव रोधी विटामिन, अगर इसके साथ एक लाइन में आपको याद करना हो तो ये याद रखिए, जैसे विटामिन ई प्रजनन विटामिन था वैसे ये क्या है, रक्त स्राव रोधी, मतलब खून का थक्का जमाने में मदद करता है, एक लाइन में आप समझ लीजिए रक्त के थक्के। देखिए यकृत में क्या होता है, प्रोथाम्बिन का निर्माण होता है, यकृत में प्रोथाम्बिन ये क्या करता है, रक्त जमाने के लिए जिम्मेदार होता है प्रोथाम्बिन। तो इसका निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, अगर के की कमी रहेगी तो इसका निर्माण यकृत में नहीं होगा, क्लियर हुआ, ठीक है। ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, रक्त के थक्के जमाने के लिए, रक्त के थक्के जमाने के लिए आवश्यक तत्व, कौन सा आवश्यक तत्व है, ये है प्रोथाम्बिन, क्लियर हुआ। चलिए अब दोस्तों अगर मान लीजिए कि अगर किसी के भोजन में विटामिन के की कमी है या फिलोक्विलोन की कमी है तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति का आपने सुना होगा कि ऑपरेशन बहुत मुश्किल होता है, ऐसे व्यक्ति का ऑपरेशन करने में समस्या आती है क्योंकि रक्त क्या होता है, जमने में समस्या है, इसलिए रक्तस्राव का खतरा बना रहता है। तो ये आप समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण विटामिन है। अब दोस्तों इसका ये आंत के जो बैक्टीरिया होते हैं ये भी इसका संश्लेषण करते हैं, आंत के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके का संश्लेषण करते हैं, आंत के बैक्टीरिया जो स्टेटाइन में पाया जाते हैं बैक्टीरिया वो भी इसको बनाते हैं, इसका निर्माण करते हैं, क्लियर हुआ। अब पाया किस में जाता है, हरी पत्ती, हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों, पालक वालक आपने सुना होगा, ठीक है, इससे खून बढ़ता है और इससे क्या होता है, रक्त के थक्के जमाने वाला पदार्थ प्रोथाम्बिन का भी निर्माण होता है। तो हरी सब्जियां टमाटर है, गोभी है, और क्या है दोस्तों, सोयाबीन, जिगर, अंडे की जर्दी, ये सारी चीजें, ठीक है, ये हर चीज में इस्तेमाल होता है, सोयाबीन, जिगर, अंडे की जर्दी में भी पाया जाता है दोस्तों, अंडे की जर्दी में भी ये विटामिन पाया जाता है, विटामिन के। तो ये हो गया विटामिन के जो रक्त स्राव रोधी विटामिन है दोस्तों, समझ में आ गया आपको। चलिए विटामिन के भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर इसकी जो है कमी हो जाएगी तो रक्त जमना बंद हो जाएगा। चलिए
अब हो गया हमारा विटामिन जो है खत्म, ठीक है। हीमोफीलिया जो रोग होता है इससे कमी से होता है, जब रक्त नहीं जमता तो क्या हो जाता है, ऑपरेशन नहीं हो पाता, तो हीमोफीलिया रोग होता है। हीमोफीलिया की कंडीशन पैदा हो जाती है। तो विटामिन का काम दोस्तों खत्म हो गया, तो विटामिन का प्रमुख कार्य क्या है, अगर देखा जाए टोटल जितने विटामिन हमने पढ़े, तो विटामिन इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं दोस्तों, इनके कार्य क्या हैं, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं पॉइंट में कि विटामिन के कार्य हैं क्या। विटामिन के कार्य अगर इसको हम पॉइंट में समझें दोस्तों कि विटामिन क्या क्या करता है, तो क्या करता है दोस्तों, ये जो है आपने उपापचय प्रक्रिया पढ़ा है, उपापचय या जिसको हम मेटाबोलिज्म कहते हैं, मेटाबोलिज्म के लिए बहुत आवश्यक है, मैंने आपको बताया था कि विटामिन जो होता है इससे एनर्जी नहीं मिलती, इससे क्या होता है जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। जैविक प्रक्रिया में मेटाबॉलिज्म सबसे महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है, तो मेटाबॉलिज्म के लिए ये आवश्यक होता है। दूसरा जो बाकी पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा, इनके सही उपयुक्त इस्तेमाल के लिए कह सकते हैं उपयुक्त उपयोग के लिए आवश्यक होता है। अगर शरीर में इनका अच्छे से कंजप्शन होना है तो उसके लिए ये आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए तीसरी चीज क्या हो गई, तीसरी चीज इसकी है दोस्तों, ये क्या करता है, प्रोटीन का क्या करता है, संयोजन करता है, विभिन्न आक्सीकारी जो वो होते हैं एंजाइम होते हैं, कई सारे आक्सीकारक एंजाइम होते हैं, ठीक है, कई आक्सीकारक एंजाइम्स होते हैं, तो ये क्या करता है, इनके भाग के रूप में विभिन्न प्रोटीन का क्या करता है, संयोजन करता है, मतलब इसका काम क्या है, जो भी आक्सीकारक एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे आक्सीकारक एंजाइम्स होते हैं, तो उनका एक भाग बन के ये क्या करता है, अनेक किस्म के जो प्रोटीन होते हैं उनका संयोजन करता है। तो इस तरह इसका महत्वपूर्ण काम क्या है, ये मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार है, ये जो है प्रोटीनों के संयोजन के लिए जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का अच्छे से जो है शरीर में इस्तेमाल हो, वो अच्छे से यूज हो, इसके लिए भी इसका बहुत बड़ा महत्व है विटामिन का, ठीक है। तो ये दोस्तों विटामिन हमारा कंप्लीट हो गया, तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब देखिए दोस्तों लास्ट में थोड़ा सा बचा हुआ है, हम देखेंगे कुछ और चीजें, जैसे प्रोटीन देखेंगे, प्रोटीन नहीं हुआ है, प्रोटीन और खनिज लवण के साथ ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और उसके बाद एक नया टॉपिक शुरू करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, आज के लिए आपको जितनी चीज बताई ये सब इम्पोर्टेंट थी दोस्तों, इसको जो है नोट डाउन करके अच्छे से समझिएगा, याद करिएगा, कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।